नमस्कार, हमारे साथ हैं मुश्किल फिल्म की दो खूबसूरत हीरोइनें, पूजा विष्ट और नाजिया हुसैन। इनकी फिल्म 9 अगस्त को रिलीज हो रही है। आइए हम जानते हैं इनको शूटिंग से लेके रिलीज तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। नाजिया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बड़ा बढ़िया रहा। बड़ी ही फन कॉन्सेप्ट था इनिशियली, जो हमारा फर्स्ट हमारा जो थीम बेस्ड है, एक लड़कियों का ग्रुप है, हमारे चार लड़कियों का फ्रेंड्स ट्रिप है। तो जो फर्स्ट हाफ है बेसिकली हम लोग उसमें काफ़ी इन्जॉय करें। उसके बाद जितने भी हमारे हॉरर्स के सेक्शन आए, जहाँ हमें फिल्मिंग करी थी, वो काफ़ी चैलेंजिंग थे, वेदर को लेकर, आउटडोर लोकेशन को लेकर, टाइमिंग को लेकर, लाइट को लेकर। तो दैट वॉज क्वाइट हॉरिफिक, लेकिन हमने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया, कुछ नया सीखा। बड़ी एक्सट्रीम वेदर्स में हमने शूटिंग की, बहुत सारी मेहनत लगी, तो मेहनत क्या होता है वो भी सीखा। और इंशाल्लाह खुदा चाहे तो फ्राइडे को मीठा फल हम खाएंगे। पूजा, आप बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि शूटिंग करते वक्त कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमें एक किसी काम के लिए हमें यहाँ पे लाया गया है। मतलब इतना लोगों में, आपस में, सब में एक कनेक्शन बन गया था कि इट वाज मोर लाइक कि सब, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड, हर कोई इन्जॉय कर रहा था शूट को, अपने कैरेक्टर को। सो सब ने बहुत दिल से काम किया है। हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत दिल से फिल्म को बनाया है, प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बहुत दिल से फिल्म को मतलब बनाने में अपना रोल अदा किया है। सो मुझे लगता है कि पीपल शुड डेफिनेटली सी, बिकॉज यहाँ पे इट्स नॉट लाइक कि सब ने काम के हिसाब से किया, ये बहुत दिल से किया है सब ने। फिल्म भूतिया है, तो इस भूतिया फिल्म में मतलब अचानक खूबसूरत हीरोइनों को भूत बना दिया जाए, तो वो आपको कैसा लगा? वो तो बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है। अगर आपने वीराना देखा तो पहले तो खूबसूरत लड़की रहती है, बहुत ही खूबसूरत रहती है, चुड़ैले खूबसूरत ही रहती है, वो बाद में चुड़ैल बनती है। तो वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, प्रक्रिया है हमारी हिंदी फिल्मों की। एंड आई गेस एक वो भी है ना, क्योंकि बोलते हैं ना एक चीज़ है कि रात को अगर एक बड़ी खूबसूरत से और खूबसूरत लड़की तुम्हारा नाम ले या तुम्हारे को आवाज़ें, पीछे मत लगना बाबू, घर निकल लो। तो वो ही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के इन्होंने सारी खूबसूरत, कोई लड़की सच में आवाज़ दे रही हो तो उड़वाओगी क्या? नहीं, मर्दों को सुधरवाओ, बोलो घर जाओ। कैसा मतलब भी सबसे बढ़िया इसमें कोई यादगार मोमेंट आपका इस शूटिंग के दौरान? यादगार मोमेंट, आई थिंक एवरी डे वॉज अ यादगार मोमेंट, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स हम लोग बहुत ही मस्ती करते थे, यू नो, क्योंकि अभी हम ऐसे सिचुएशंस में हमने, क्योंकि हमारे पास वहाँ लोकेशन पे ना वैनिटी वैन थी, ना हमें पास आसपास में बाथरूम था, वहाँ तक जा नहीं सकती थी इसलिए नहीं थी। हाँ, एंड वी वर ऐसी जगह पे कि एकदम अंदर जहाँ बाथरूम की फैसिलिटी ना हो ना कुछ, तो हम लोग सारे सब सेट पे ही रहते थे। तो बिकॉज ऑफ दैट एक बॉनफायर बनता था हमेशा सेट पर, और वो बॉनफायर के आसपास हम जाके इकट्ठे हो जाते थे। तो जिसका शॉट था वो जाते हैं शॉट करके, और वहाँ हम वापस आते थे। तो क्या करना है, वहाँ जब बैठना है तो फिर गप्पे मारना है, चीज़ों के साथ बात करना है, कोई किधर से लटक रहा है, कोई बेचारे हमारे DOP, बड़े टीम बड़ी, यू नो, वेरी एक्साइटमेंट में थी हमेशा, क्योंकि सबका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है हमारे, नॉट ओनली माई कास्ट बट मेरा डायरेक्शन टीम एंड ऑल दैट, लाइट्स कैमरा, हम लोग सब सिकुड़ रहे थे वहाँ ठंडी में और एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे। तो इट वॉज़ फन, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि बहुत ही क्लोजली सब काम कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और वो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बन गया था। तो बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था, ऐसा लग रहा था कि पूरा टीम आया है बस छुट्टी मनाने के लिए। रियल लाइफ में आप लोग भूतों पे कितना भरोसा करते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ भूतों पे। अभी पाला पड़ा है भूत से? मैंने एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि भूतों जिस कुछ ग्रह आपके कुछ ऐसे होते हैं, तभी आपको भूत, जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं उनको भूत दिखाई देते हैं। तो मैंने आज तक कोई भूत तो नहीं देखा है, बट मैंने फील किया है, सो आई थिंक मैं उसी से बहुत खुश हूँ। मेरे ग्रह बहुत स्ट्रांग है। नॉट इवन क्लोज, मैं डराती हूँ उल्टा। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ नाजिया हुसैन और पूजा बिष्ट, इनकी फिल्म 9 अगस्त को रिलीज हो रही है। दोस्तों, आप देखें जरूर फिल्म मुश्किल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।